कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर चिंता बढ़ती जा रही है। दिल्ली पुलिस ने अपने कर्मियों और उनके परिवार वालों को टीके की दोनों डोज लेने का निर्देश दिया है। अधिकारियों ने शनिवार को इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि विभाग ने अपने कोविड-19 स्वास्थ्य निगरानी प्रकोष्ठ को भी पुनर्जीवित करने को कहा है, जिसके प्रमुख इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं। इसके अलावा पुलिस अधिकारियों को कोविड-19 हेल्पलाइन शीघ्र चालू करने के लिए कोविड-19 से बचाव के अनुरूप व्यवहार नहीं करने वालों पर कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया गया है। और कंसंट्रेटर की उपलब्धता, जीवन रक्षक दवाओं, अस्पताल के बिस्तर, एम्बुलेंस, सैनिटाइजर, मास्क, दस्ताने, पीपीई किट और अन्य आवश्यक वस्तुओं की तैयारी करने के लिए कहा गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमने अपने कर्मचारियों को मास्क पहनने, स्वच्छता बनाए रखने, छूने वाली वस्तुओं को कम करने और नियमित रूप से सैनिटाइजर का उपयोग करने के लिए सलाह दी है। पुलिस थानों की खिड़कियां मात्र वेंटिलेशन के लिए खुली हुई हैं। उन्हें ये सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है कि पुलिस स्टेशन पर भीड़ न हो। दिल्ली में पिछले एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 51 नए मामले सामने आए हैं। वहीं एक ओमिक्रॉन का मामला भी सामने आया है, जिसकी आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है और किसी भी मरीज की मौत अब तक नहीं हुई है।